Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. आप लोग देख रहे हैं सैयद शहरोज अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं ब्लॉग का आगाज करते हैं। वालेकुम, क्या हाल है भाई लोग, आप लोग की भाई की सुबह हो चुकी है, हशाज बशाज हो चुका हूँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश। आज मैं सुकून से सोया हूँ क्योंकि हमारी लाइट नहीं गई थी आज सुबह 7 बजे वाली। आज मैं सुकून से सो के उठ चुका हूँ। आज ही जुम्मे का दिन भी, तो मैंने बोला शुगर है, नींद पूरी हो चुकी है टाइम पर। चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हमारी छोटी बहन ने भी व्लॉग का आगाज़ कर चुकी है, वो देखते हैं क्या बनाया उसने, क्या नहीं बनाया। अगर अच्छा बनाया हुआ तो हम ज़रूर व्लॉग में लगाएंगे, नहीं बनाया हुआ तो उसको बोलेंगे दोबारा बनाओ कल, ठीक है। और धूप देखें ज़रा कैसी हो चुकी है। बस अभी कुछ टाइम बाद इस धूप के लिए हम लोग तरसेंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद आ जाएंगी बस ठंड और हम लोग तरसना शुरू हो जाएंगे इस धूप के लिए। और किस किस को सर्दियाँ पसंद है बताइएगा कमेंट में ज़रूर। चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं जल्दी से। हो चुकी थी, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, उसके बाद मैं थोड़ा ना चैनल पे काम करता हूँ। अब देखिए मेरे समझ नहीं आता ये बात, काफ़ी दफ़ा मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गई है। कोई अगर किसी को कुछ पता हो तो मुझे इस बारे में ज़रूर बताए। ये देखें, ये मैंने कल रात जो वीडियो अपलोड करी है इसके व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर 163, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ देखें क्या आ रहे हैं 109। ये मेरे समझ नहीं आता, ये मेरे व्यूज़ वगैरह मेरी चीज़ें कहाँ गायब कर देता है यूट्यूब। अगर किसी को ये मालूमात हो ना इस बारे में तो मुझे ज़रूर बताइए। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ ताकि किसी को मालूम हो तो मुझे बताए लाजमी। मैं आ चुका हूँ किचन में क्योंकि भूख लग रही है बहुत। मुझे जाना था एक जगह, लेकिन मैंने न्यूज़ सुनी तो देखा पूरे मुल्क में एहतजाज चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने वहाँ जाने का कैंसिल कर दिया। क्योंकि शार फैसल वगैरह, ये गुलशन वगैरह सब जगह होता है ट्रैफिक पर जाम, और एहतजाज जो होता है वो ज़्यादातर इन्हीं रूट्स पर होता है, तो मैंने कर दिया वहाँ जाने का कैंसिल। मैंने बोला क्या करूँ, फारिग बेटा वाला कोई काम नहीं था मेरे पास और मुझे लग रही है बहुत भूख। तो मैं आ चुका हूँ किचन में, मैंने ढूंढा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, शाम का टाइम भी हो रहा है तो मुझे एक चीज़ नज़र आ गई। मैंने बोला चलो बनाते हैं आज ज़रा उसको, चलें बनाते हैं ज़रा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे पास है ये एक अदा छन्नी और ये है पापड़, और यहाँ हो रहा है ऑयल गरम। तो हल्की फुल्की भूख में हल्की फुल्की चीज़ें ही समझ आती हैं। अब मैं तलूँगा पापड़, ऑयल हो चुका हमारा गरम और मैं इसमें डालूंगा थोड़े से पहले पापड़ ताकि कच्चा है ऑयल, पक गया है नहीं पका है वो ऑयल तो अच्छा खासा गर्म हो चुका है, मान हो चुके हैं पापड़ बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे पापड़ को। अब इसको थोड़ा ऑयल निकल जाए फिर हम इसको डालेंगे प्लेट में, तो बड़ी जल्दी तैयार होगा। असल में हमारा चूल्हा है बहुत ऊंचा, तो समझ नहीं आ रहा, मुझे आता ही नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत करने से सीखूंगा तो फिर समझ आएगा कैसे चम्मच पकड़ना है क्या करना है। चलें अब ये और बनाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपसे बनाने के बाद। हमारे आ चुके हैं पापड़, जैसा कि आप लोगों को दिख रहे हैं पापड़ आ चुके हैं और भाई ने तल लिए हैं। बहुत भूख लग रही थी, मैंने बोला छोटे सी चीज़ है जल्दी से तैयार हो जाएगी और फिर ताकि आप लोगों को दिखाऊं ना कि अगर भूख लगे तो बढ़िया है, आसान सा हल है। चलें अब खाते हैं पापड़, आप लोग खाएँ। काली मिर्च डली हुई है भाई, चलें खाते हैं जल्दी से। रमज़ान की याद ताज़ा हो गई, ये सिर्फ हम रमज़ान में खाते हैं, वैसे बाहर के तो मैं बहुत पापड़ खाता हूँ लेकिन रमज़ान की याद ताज़ा करती है इसे। चलें जल्दी से मैं खाता हूँ फिर मिलते हैं।
अब हमारे शाम का टाइम हो चुका है, अब हम पियेंगे चाय, क्योंकि चाय टाइम तो लाजमी है, कंपनी ऑफिस वगैरह सब जगह टी टाइम होता है, तो हमारा भी घर में टाइम टी टाइम बन चुका है, क्योंकि हम भी तो काम कर रहे हैं ना, व्लॉग बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा भी तो काम है ना भाई। ये चलो चाय पीते हैं जल्दी से। मैंने चाय बनाई है, कैसी बनी? कोई नहीं, ये मैंने बनाई है, चाय भी मैंने बनाई है, पापड़ भी मैंने बनाया, मजाक करो, पापड़ मैंने तले सिर्फ, और चाय जो अम्मी ने बनाई है, जो सच बात है वो सच बात है, पापड़ तले बस मैंने। ये देखें ज़रा, मैं गेट से निकला बाहर तो देख रहा हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। देखें ऐसे ऐसे हमें भी बाहर लेके ना बच्चों को बैठना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, और ताकि घर के बाहर ही आप लोग खेलें, बच्चों के साथ ये कि बच्चे थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। बच्चे लाद में सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, तो फिर वहाँ से आते हैं 2 बजे, फिर 2 बजे आने के बाद ये चले आते हैं मदरसा, वहाँ से आते हैं 4:30 बजे, फिर 5 बजे ट्यूशन, वहाँ से आते हैं इस टाइम 7:30-8 बज जाते हैं। अब बच्चों को थोड़ा फ्रेश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। चलें, मैं आप लोगों को यही दिखाने आया था ताकि बच्चों के साथ इस तरह हम लोग इसी तरह खेलते हैं, वरना हमारे सामने ही पार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी ज़रा। वो देखें जैसे लाइटें जल रही हैं ना, ये सामने बस वगैरह खड़ी हुई है, हमारा पार्क है, लेकिन मसला ये होता है वही कि वहाँ जाना अंधेरा होता है, मच्छर काटते हैं, तो अपने घर के बाहर ही हम लोग एक्टिविटी बच्चों से करवाते रहते हैं। आज हमारे खाने में है रात के गोभी गोश, जो है ठंडा मौसम आ रहा है अभी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो है ना बड़ा मज़ा देंगी। चले आए जल्दी से खाते हैं। पहले आप लोगों को खिलाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। अब एक हाथ से व्लॉग बनाना और एक हाथ से खाना खाना बहुत टफ कंपटीशन है। खैर जैसा भी है ये ना, आप लोग खाएँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ा मज़ा देंगी, और वैसे हमें सब्ज़ियाँ बड़ी खानी चाहिए। चलें मैं खाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बनी है, स्पाइसी बनी है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आजकल बच्चों के बड़े नखरे माँ बाप उठाते हैं। असल में माँ बाप अगर खिलाएं दाल सब्ज़ी चीज़ें तो क्यों नहीं खाएगा बच्चा, लेकिन फिर बोलते हैं बच्चा खाता नहीं। खिलाएं उनको भाई, आदत डालें, बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें, इसमें प्रोटीन चीज़ें सब बहुत। चलें खामोशी से मैं खाना खाता हूँ, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। ये हमारा बिल्ला, ये देखें कैसा पागल हुआ हुआ है बाहर निकलने के लिए। बाहर निकालो ना, ये इधर उधर घुस जाता है जाके ना, फिर तंग करता है। और ये देखें इसकी हरकतें, देखें ये देखें, पहचानता है सब कुछ करता है। आवाज़ें बहुत आ रही थी, मैंने बोला चलो इसको भी व्लॉग में ले लेते हैं आज हम। ये देखें इसकी आवाज़ें, देखें चलें, मेरे को दिखाना ही था बस, मैंने बोला चलो दिखा देते हैं ज़रा। अभी इसको बंद करने का टाइम हमारा, ये देखें। चले अपनी कैट भी दिखाई है, और छोटी बहन का व्लॉग आज इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो थोड़ा सा मिस बना उसे, यानी कि बोला कम है, थोड़ा रुक रुक के बोला, तो मेरे लिए परेशानी हुई है एडिटिंग करने के लिए। मैंने एडिट इसलिए नहीं करा, ना उसको मैंने डाला है व्लॉग में। हाँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो सब देख रहे हैं माशाल्लाह से, सपोर्ट कर रहे हैं, और बस सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।